बोले 7 बजे का टाइम हो गया, निकले हैं बस। ये भी स्टे ना स्टे किया था, बस अभी निकले हैं। हाँ, ऊपर की चढ़ाई करनी है। कुंड का तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। जय बोले दोस्तों। नीचे तक सारा धनचू दिख रहा है, तो हर जगह भी स्टे का ऑप्शन है। यहाँ पे आराम से आप बोले हम चल रहे ऊपर की तरफ। जय बोले। पॉइंट पॉइंट्स में लंगर की फैसिलिटीज़ है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो वॉशरूम्स में। और वॉशरूम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। भगत गण लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए। भक्तों के लिए भोलेनाथ है, भोलेनाथ हमारा पॉइंट होगा दोस्तों ऊपर टॉप पे पहुंच के रुकने का। उस टाइम थोड़ी ब्रेक मारेंगे बॉडी को, अभी यात्रा को आगे के लिए फॉरवर्ड रखते हैं। जय बोले। प्रॉपर धनचू वाला मेन धनचू यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ऊपर से, जहाँ तिरंगा लगा है। वो आराम वहाँ से जा रहे हैं जहाँ से वो वाटरफॉल दिखेगा। जो है बोले यहाँ से दोस्तों चढ़ाई स्टार्ट है ऊपर तक के लिए। भोले का नाम लेके चढ़ते जाओ, आई वाटरफॉल भी देखते हैं। स्टार्टिंग बन चुकी। जय बोले दोस्तों। यही श्रद्धा है जब हम मणिमहेश से आने वाली, देखिए नदी को क्रॉस कर रहा है पर्सन, तो उसको पुल को मत्था टेक के क्रॉस कर रहा है कि बोले मैं आ रहा हूँ। यही भक्ति है और यही भक्ति गणों को भोले तक पहुंचाती है। अभी बहुत सारे गण चले हुए हैं, ये देखिए एज पर्सन यंग सभी आते हैं। अब यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऊपर और चलते रहेंगे, आनंद लेते रहिए ब्लॉक का, नज़ारों का, पानी की आवाज। जय बोले। देखिए दोस्तों भैरव जी चले हुए हैं, दौड़ते हुए हैं। अब यहाँ पानी पियेंगे और फिर दौड़ते हुए ऊपर पहुंचेंगे क्योंकि शाही स्नान। और ये भी गण थे, गणों की भक्ति में है भैरव रूप। देखिए इन्होंने पानी पिया और ये यात्रा पे चले हुए हैं, किसी के साथ नहीं है, यात्रा पे चले हुए हैं। जय भोलेनाथ सबके साथ।
अभी उन्होंने हर अपने वहाँ रास्ता देखा, एक रास्ता दूसरा रास्ता, इस रास्ते से जाऊँगा और वो रास्ता दिखा करके आगे। जय बोले माता जी, जा रहे हैं यात्रा पे। तो देखिए भक्ति है तो पहुंचो दोस्तों। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अंग, प्यासे को पानी। और वो देखिए हमें मूषक जी ने भी दर्शन दे दिए हैं। वादियों का एंजॉय लेते हुए, भोले का नाम लेते हुए चढ़ते जाओ। जय भोले। यहाँ से चले, यहाँ से चले, शॉर्टकट मारते हैं, खड़ी चलाई चढ़ते हैं, थोड़ा सा बॉडी की लगेगी पर कोई टेंशन। चलो दोस्तों, बाबा जी चले हुए हैं, भगत भी चला हुआ है, हम भी चले हुए हैं, आगे गण भी चले हुए हैं, आगे देखिए बुजुर्ग भी चले हुए हैं, एक बच्चा भी है, जूम करता हूँ, 6 साल का बच्चा होगा, 5-6 साल की लड़की, एक और भगत। जय भोले। दोस्तों लंगर लगे हुए हैं छोटे छोटे वहीं पे, इस रास्ते पे लंगर थे, हम यहाँ से चढ़े हैं अभी, खड़ी चढ़ाई टक्कर नहीं, ये गिफ्ट है ऊपर भोले के लिए, भोले के लिए लेके जा रहे हो। एक गण चले हुए हैं, पूछ रहे त्रिशूल ऊपर से लिया, त्रिशूल तो गिफ्ट लेके जाया जाता है। हाँ दोस्तों, खच्चर जा रही है अपने दूसरे रूट के लिए। दोस्तों मत आओ इन पे, देखे थे ना हाल, पाप में भागीदार बन रहे हो, यूथ के लिए बोल रहा हूँ। बुजुर्ग भी हेलीकॉप्टर से आ जाओ यार, और यूथ हेलीकॉप्टर से तो मत ही आओ, उसके लिए भी मैंने बता दिया है। जय बोले। अब चलते हैं आगे के लिए, एक छोटा गण आ रहा है, चला है अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों पुल वो नीचे रह गया है, नीचे दंचो, और अभी हम मुक्ति मार्ग शिव के विराट में पहुंच चुके हैं। देखिए छोटे छोटे भगत आए हैं भोलेनाथ जी के पास। आंटी जी और बहुत सारे गणिया बैठे हुए हैं, हम लोग दर्शन कर लेते हैं शिव के घर के। दोस्तों इस पत्थर में इस टाइप से कान लगा के घराट की आवाज आती है, जैसे आटा पीसा जा रहा हो। तो थोड़े से यहाँ पे चावल जौ वगैरह यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं शिव घराट में। जय बोले तो चढ़ा लेते हैं, हर हर महादेव। बाबा जी जो असली स्नान है ना, कल तो टूट गया आज। मैं जब तुम्हारा ये भजन सुना ना, हमारे छड़ी यही है अभी नीचे।
बोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बोला ना माने। बोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बोला ना माने। बोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बोला ना माने। बोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा बोला ना माने। बोला को बाए ना लड्डू ना पेड़े। बोला को बम बम बोले करेगी मौज। दोस्तों, शिव घराट में दर्शन करने के बाद, भक्तों के साथ बैठने के बाद, थोड़ा सा कीर्तन करने के बाद हवा के लिए चल पड़े हैं। एंड अब जीपर खोल दिए, अब शर्ट है क्योंकि धूप है, अब गर्मी हो चुकी है। क्या फायदा यार। जय बोले। तो मदिरा मांस का सेवन जो भी करता है यात्रा में नरक में जाता है, और जो मल विसर्जन करता है गलत जगहों पे वो भी, और जो घोड़े पे यूथ जाता है वो भी, जो हेलीकॉप्टर में राइड के लिए और टाइम बचाने के लिए जाते हैं घूमने के लिए, वो सभी नरक, नॉट स्वर्ग। जय बोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले की छड़ त्रिशूल भी आ रहा है और हम बीच रहने के। जय बोले। जय बोले।
और हम कल चले हैं यात्रा पे। आंटी भी चली हुई है, बोल रही थी फोटो ले रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ पे स्टे कर लिया, ऊपर जाके स्टे करेंगे, चाय वाय पी लिया। और ये आ रहे हैं पापी, अगर यंग जनरेशन का कोई है तो पापी आ रहे हैं। जय बोले, अब चढ़ते हैं चढ़ाई को। अब फ़ोन को खड़ा कर दूंगा ना, यानी कि मोड चेंज हो जाएगा, मतलब उसी में जेब से रिकॉर्डिंग चेक करते रहना। अपने कैमरा है ना, फ़ोन को टिल्ट कर देना, फुल स्क्रीन पे खेल रहे हैं देख रहे हैं ना, टिल्ट कर देना इसको तो दिख जाएगा, जैसे टिक सा अच्छा सा, तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं, टिक टिक सा दिख जाएगा। तो इन्जॉय लो और कई गणों को देखो कौन कैसे चला है, और खुद भी भक्ति करने आओ। जय बोले। Thank you.
जय बोले। लो जी भगत जी कर्मा करम सेवी वाली खीर आ जाओ मेरा खाना खा लेते हैं खाना खा लो बुरा के ले ले भाई खाना खा लेने दे खाना खा लो सर यही रोक ले कोई बात नहीं कर दिया क्या है लो जी दो ठीक है हर हर महादेव। जय भोले सबके साथ। बोले का कैलाश पर्वत पीछे और बोले का बोले थोड़ी देर में कैलाश पर्वत के दर्शन देंगे लगता है बोले दर्शन देंगे। जय बोले।
बोले गण बना ले और बोले पूरे पर्वत के बिना धुन से दर्शन करवा दे। मैंने भी दर्शन करने हैं और मेरे साथ और भी कई गणों ने दर्शन करने हैं, कई भक्तों ने दर्शन करने हैं। धुन बिल्कुल बहुत कम कर दी है, इसे छटा दे और दर्शन करा दे। हर हर महादेव। जय बोले, जय बोले कर दो। बोल अब माँ आई है दर्शन करने। दोस्तों देखो भगत दीदार कर रहा है कैलाश की, मैं भी ऐसे ही कर रहा होता हूँ और आपको भी ऐसे ही कंटिन्यू बार बार चला हूँ उसी पॉइंट पे, क्योंकि इसी के लिए तो आए हैं। दोस्तों धीरे धीरे धुन छट रही है और दोस्तों पंच कैलाश की यात्राओं के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, यूलाकंडे की यात्रा के लिए और कोई भी टूर करना हो आपका विद इन इंडिया, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे भी कर सकते हैं या कंपनी का नाम है ट्रैवल हिमालयाज विद महाकाल हॉलीडेज। महाकाल हॉलीडेज याद रखिएगा, भोले के ही नाम पे कंपनी खोली है मैंने, तो उसको भी सपोर्ट देना। अगर यात्रा करनी हो तो वो करवाते हैं, पंच कैलाश भी करवाते हैं, हर और जो परिक्रमा रहती है कैलाश परिक्रमा, किन्नर कैलाश परिक्रमा, वो भी करवाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पंच कैलाश का हम टूर देते हैं उसमें और पंच कैलाश का वो टूर आप 2 सालों के अंदर अंदर अपना पूरा कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर के दर्शन उसमें इंडियन बॉर्डर से ही, लिपू लेक पास से ही होते हैं, जैसे ही मैं यहाँ से देख रहा हूँ बस वैसे ही आपको उसका टॉप दिखाई देगा कैलाश पर्वत का, और लिपू लेक पास से इंडियन बॉर्डर के अंदर से करेंगे क्योंकि चाइना इंडियंस को परमिशन नहीं दे रहा है। हर हर महादेव। और दोस्तों धुन छटती जा रही है, सिर्फ एक साइड पे ही धुंध रह गई है। एक सेल्फी ले लेता हूँ अभी जल्दी से। दोस्तों पहुँच गए मणि महेश झील के पास में, बस कैंपिंग से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रुकने के लिए। अब हम भी यहीं रुकेंगे। जय बोले। बाबा जी का धुना लगा हुआ है, त्रिशूल चढ़ा हुआ है। जय बोले। हाँ सामने मणि महेश कैलाश पर्वत। दोस्तों मणि महेश 0 किलोमीटर, धनचो 7813 किलोमीटर, थोड़े से ज़्यादा हैं, इतने किलोमीटर नहीं है। और ये देखिए भगत बैठे हुए हैं मुझे दर्शन करने के यात्रा में, और फ्री सेवा लगी रहती है। और भोले ने देखिए पीछे दर्शन दे दिए, बस भोले पहुंच रहे हैं अभी तो रुक गए थे, भोले गण मिल गए थे कहीं, जैसे आपको आपको मिला था बिल्कुल वैसे ही और गणों को भी मिला था। गणों से और भोले से मिलने ही तो आए हैं। जय भोले। दोस्तों कैलाश पर्वत के दर्शन क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं और देखो बाबा जी और आग जली हुई है जगह जगह पे, दुकानें हैं, रुकने का पूरा इंतजाम। और ये सामने मणि महेश झील, बोला मुझे यहां तक खींच के लेके आ गया।
और मेरा भोला बैठा है वहां। जय महाकाल, बम बम बोले। दोस्तों स्टेशन को यहीं पर स्थापित कर देंगे, सामने उस पॉइंट के पास स्टेशन हो जाएगा स्थापित। अब ये यहीं रहेगा और अगले साल भोले ने चाहा तो फिर आएंगे, फिर से त्रिशूल लेके आएंगे। परिक्रमा कर रहा हूँ, फोटोज़ वगैरह ने लग गया था तो तेरा कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया। और भोलेनाथ जी इस टाइम लीन हो चुके हैं धुन में, दर्शन दे दिए हैं भोलेनाथ ने। भोलेनाथ को बोला था दर्शन दे दो, भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए। और यहाँ भगत अब बाबा जी दोस्तों आरती ले ली है, अब आगे की तरफ चले हैं। जय भोले, सही समय पे पहुंचे कि भोले ने आरती के समय बिल्कुल पहुंचाया और साक्षात दर्शन दिए। यही भोले की कृपा है। जय शंभु। स्थान है वो काली स्थान है, सामने वो नंदी महाराज जी चारों सेटों में महादेव भोलेनाथ महाराज है और यहाँ कीर्तन हो रहा है और ऐसा ही कीर्तन चलता रहता है भोले का। ये भोले हैं, हम भोले का बाद में आएंगे, पहले नंदी महाराज के पास आएंगे, माँ काली के दर्शन करेंगे और तब आगे। दोस्तों ये पॉइंट है सामने वो काली पॉइंट, काली माता के लिए। और यहाँ पहुँच गए बाबा जी, और ये बाबा जी जो हमें नीचे गुफा में मिले थे शिव घराट में। यही भक्ति है। और ये नंदी महाराज, नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथों के चरणों में त्रिशूल स्थापित कर दिया है, अगली बार फिर से आएंगे। अब वो देखिए गणपति महाराज साइड में, बोले ध्यान रखियो, पूरी दुनिया को शक्ति दियो कि वो पाप ना करें, अच्छे कर्म करें। जय बोले गणपति महाराज, शिव परिवार की मूर्ति पार्वती मैया, भोलेनाथ कार्तिक महाराज और पंडित जी। जय बोले, यही भक्ति है दोस्तों। आओ कैलाश में भोले के पास। जय बोले, आनंद है। देखो बाबा जी बैठे हुए हैं। जय बोले बाबा जी, जय बोले, जय बोले, जय बोले, ठीक, जय बोले। बाबा जी आपको मिलते रहेंगे और बाबा जी के पास बैठने का भी आनंद है। जय बोले। दोस्तों यहीं पे स्टे ले लिया है और सुबह सामने यहीं पे दर्शन होंगे। तो बने रहो ब्लॉग में, आज जो मैंने बातें बोली है सोचना जरा उन बातों पे,
कमेंट में बताना कि सही है कि नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय भोले। बाबा जी सो रहे हैं, टूना लगा हुआ है, यहाँ बाबा जी बैठे हैं, इन फ्रेंड्स बैठे थे, और अभी हम वॉशरूम तक जा रहे थे एंड फिर चाय पी के सो जाएंगे। अंकुर भाई आपका सामान ले लिया है, नीचे से ही लेके चला हूँ आपके लिए, आप बाकियों के लिए भी आ रहा है प्रसाद बोले का दोस्तों। ये लंगर थोड़ी देर पहले भी आए थे दोस्तों। रात्रि रात के लिए ड्रेसअप बिल्कुल चेंज हो चुका है, टोपी पहन ली गई है, जैकेट पहन ली गई है, अंदर से शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है और जो शर्ट थी तो है ही है, और अब सो जाना है। रजाई मिल चुकी है, यहाँ पे लाइट जैसी थी तो थोड़ा सा यहाँ इस यहाँ से अगर प्रॉपर दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा हैंडल करना नहीं आता ना, अभी नया नया हूँ और सिर्फ हाथ में फ़ोन पकड़ के करता हूँ, कोई ट्राईपॉड और वो चीज़ें नहीं है और ना ही उनकी नीड है, क्योंकि हम चीज़ें दिखाते हैं और देखने वाले का दिल है और समझने वाले की समझ है, जो समझ जाए तो समझ जाए। जय बोले की तो बोले, अब बस चाय पाँव पीते हैं वहाँ पहुँच के और फिर सो जाते हैं। जय बोले। ये सही रात गिरते हैं तो बोलो चलता रहता है, इन वादियों में भोले का नाम, जय भोलेनाथ सबके साथ। कुछ समय में यहाँ टॉप पे हमें मणि के दर्शन होंगे कैलाश के ऊपर, पर्वत के ऊपर, तो बने रहो दोस्तों यात्रा में। हर हर महादेव। जय बोले। हर महादेव। बाबा बोले 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 बाबा जय। दोस्तों मणि के दर्शन हो गए हैं। जय बोले। दिखो।
जय बोले आग जली हुई है। दिखेगा इसमें जा रहे हैं गंगे का नाम लेके दो बाल्टियां भगत अपने ऊपर डालेगा और स्नान संपन्न करके आएगा भोले के पास, भोले की नगरी में। और ऐसे ही दूसरा भोले आ गया है स्नान करने। हर हर महादेव। जय भोले। और देखिए अब एक और भोले प्रणाम करने के बाद भोलेनाथ को स्नान करते हुए जय शंभू। जय शंकर। और भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए जब सामने हैं मणि महेश कैलाश। कुछ देर पहले आपने मणि के भी दर्शन किए थे दोस्तों, अब आगे जाके दर्शन करते हैं भोलेनाथ के, जैसे शाम को किए थे। और फिर वापसी करेंगे चलने की, साथ में हमारे भाई चले हुए हैं। जय भोले की। ये भी एक गण है, हर कैलाश के पीछे चले हैं, हर कैलाश दर्शन में चले हैं भोले के लिए। गौमुख से गौमुख जाते हैं हर दर्शन के लिए। ऐसे ही भक्तों की जरूरत है सनातन को। जय भोले। कैलाश पर्वत इस समय काफी साफ दिख रहा है, नीट एंड क्लीन, यानी कि विदाउट फॉग दर्शन जिसको बोलते हैं। भोलेनाथ ने सुबह सुबह भी दे दिए हैं, यही भोले की महिमा है। हर हर महादेव। जय भोले। दोस्तों कार्तिक महाराज के दर्शन करके आते हैं। जय भोले। सामने दोस्तों भोलेनाथ। जय भोले। भोलेनाथ और कैलाश। आ जाओ हटो। जय भोले शंकर। दोस्तों कार्तिक महाराज जी के दर्शन। जय कार्तिक महाराज। दोस्तों सबसे साइड में शिव परिवार है, और फिर नंदी महाराज, फिर गणपति महाराज जी है, और फिर भोलेनाथ जी।
यहाँ शिवलिंग, गणपति महाराज, माँ पार्वती, काली स्वरूप। और सामने हमारे कैलाशपति भोलेनाथ का वास। जय भोले। दोस्तों, दर्शन करने के बाद, सुबह पूजा करने के बाद अब वापस चले हैं। अब चाय पियेंगे और वापस चला जाएगा। इस टाइम जो समय हो रहा है वो 6:04 हो रहे हैं। और यह कैलाश जी के मणिमेश कैलाश पर्वत के दर्शन। तो ये मणिमेश जी के दर्शन कर लीजिए जाते जाते। रात को ही नहाए थे, सुबह ही नहाए क्योंकि बीमार होने का डर है। एक आधीगर बोतल से नहाया, सिर्फ ज्यादा नहीं। अभी जो मुंह गीला करना हुआ वही किया अभी, क्योंकि बॉडी का भी ध्यान रखना है। रात को जब पहुंचे थे तब स्नान कर लिया था और झील में कोहरा जमा हुआ है, कुछ समय पूरी ही झील जम जाएगी। और भोले सबके साथ। हर हर महादेव। दोस्तों, उतराई स्टार्ट कर दी है। आखिरी प्रणाम बोले को यहाँ से। जय शंभु, ध्यान रखना शंभु। जय बोले। दोस्तों, उतराई उतरना स्टार्ट कर चुके हैं, अब थोड़ा तेज उतरेंगे। अब मिलते हैं, अब बीच बीच में स्पॉट दिखाता चलूंगा। अब बंदर घाटी से होते हुए जाएंगे, बने रहना ब्लॉग में। अब क्योंकि नए रास्ते से जा रहे हैं वापस। जय भोले। और हमारे साथ भाई भी चले हुए हैं, जय शंकर। अब ये पूरे ब्लॉग में ही साथ में है। जय भोले। दोस्तों, एक और कैजुअलिटी, तो ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं उठ के आ जाना होता है, कैजुअलिटी भी होती है। जय शंकर। दोस्तों, गण चले हुए हैं। इधर से लंबा है यार, इधर से आओ। और यहाँ से चलते हैं, ये शॉर्ट रास्ता है। हम फोटो लेने के लिए आगे गए थे, फोटो डालेंगे देखना इंस्टा पे। ये बोल रहे भाई मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं रुक के रहूंगा। तो दौड़ते हैं इसको, कैमरे को थोड़ा बंद करते हैं, बीच बीच में ऑन करता रहूँगा। दोस्तों, 3 मिनट हुए और हम ऊपर से नीचे पहुंच गए, और 20 मिनट लगते हैं चढ़ने में, 20 मिनट लगते हैं। और अभी हम फुल तेज भी नहीं आए हैं, नॉर्मल स्पीड में उतरे हैं। और कुछ पापी उतर रहे हैं, परे सफेद रंग के उरन खटोले से, उनका भी ध्यान रखें। जय बोले। दोस्तों, टेंट वगैरह और बाकी हट रहे हैं, और कुछ देर में सब कुछ पैकअप होके वापस चला जाएगा। स्नान हो चुका है, अब अगले साल स्नान होगा जन्माष्टमी में। तो भक्तों, पहुंच जाओ बोले के दरबार, बट इनका इस्तेमाल मत करना यार। जय बोले। ये दोस्तों, लंगर तैयार हो रहा है, पर अभी हमें निकलना है आगे।
हमें डिस्टेंस कवर करना है अभी, क्योंकि अभी निकलेंगे अभी तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा उतना वहाँ फ़ायदा रहेगा। लाइट का यही होता है, कुछ कुछ टाइम के लिए लाइट जलती है, दो ढाई घंटे सुबह, दो ढाई घंटे शाम, क्योंकि लंगर का सारा सामान उठ चुका है। यहाँ कल हमने चाय पी थी और यहीं से भोले को बोला था कि भोले साक्षात दर्शन दे दे, और देखो आज भोले ने इस टाइम पे क्या साक्षात और प्यारे दर्शन दे रहा है भोला। यहाँ से यहीं से पहली अरदास हुई थी हमें कि भोले दर्शन दे, कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन दे। जय भोले, जय शंकर, जय भोले, जय भोले। दोस्तों थोड़ा सा व्यू एंजॉय करो, जैसे प्यारा सा दोस्तों। आप डायरेक्टली बंदर घाटी वाले रास्ते से उतरेंगे और धनचो पहुंचेंगे। ये रास्ता जो जाता है ये भैरव घाटी वाला जिससे आए थे, अब दूसरे रास्ते का भी आनंद, दौड़ते दौड़ते की ब्लॉगिंग। ट्रेन दिखा दूंगा बाकी तो, इधर ट्रेन नॉर्मल है, नीचे तक जहाँ मेन ट्रेन होगा वहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। फोटोज डाल रहा हूँ दोस्तों इसके भी इंस्टा पे, देखना कितनी प्यारी फोटोज है। दोस्तों ये वाला जो वाटरफॉल दिखाया था अभी, ये वाटरफॉल आपका बंदर घाटी वाले रास्ते से आता है। अभी यहीं से चल रहे हैं तो यही स्पीड है कुछ चलने की भी हमारी, अब उतर आएगी। जब तो टांगे चल रही हैं इस स्पीड में चलेंगे, और पता है आज के दिन टांगे चलेंगी, कल टांगे सो जाएंगी, तो आज के दिन उतर जाओ जल्दी से। जय भोले। कैलाश पर्वत के दर्शन। कुछ फोटोज लिए दोस्तों यहाँ पे, उसको भी चेकआउट करो।
उसे पकड़ पकड़ के है पेला है योगी पीएम चाहिए। जो तेनू पत्थर दिसदा जो तेनू पत्थर दिसदा वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा ओ वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा। नौ बजे 2 मिनट रहे रुको
दोस्तों वापस धनचो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे पेट पूजा करेंगे और फिर दौड़ेंगे हेडसर को। हेडसर के लिए मोस्ट प्रॉबली वही वाला रास्ता फॉलो करें जिससे आए थे, क्योंकि वो शॉर्ट है, बाकी वाला से 4 किलोमीटर लंबा है, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच है ना, इसलिए वो शॉर्ट है। जया बोले दोस्तों। दोस्त धनचो में ही खाना खा लिया है और हम नीचे के लिए चल रहे हैं। बस अभी यहाँ नीचे फ्रेश होऊंगा और उसके बाद स्पीड खींचेंगे आगे के लिए। वेट भी कर रहे हैं। जय भोले। दोस्तों बस पकड़नी है और टाइम होने वाला है, तो जो साथी थे उनको छोड़ के अब आगे के लिए थोड़ा स्पीड खींच रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश होना था मुझे और कोई वॉशरूम मुझे मिला नहीं क्लियर, क्योंकि यात्रा क्लोज हो चुकी है ऑफिशियली, तो सब कुछ हट चुका है। अब नेक्स्ट ईयर सेटअप होगा, तो अभी हटसर पहुँच रहा हूँ, हटसर में फ्रेश होंगे और फिर बस पकड़ेंगे और घर के लिए। हाँ दोस्तों बताओ कैसे लगा ब्लॉग। हर हर महादेव। दोस्तों हर सर 1 किलोमीटर रह गया मुझे, तो चलाऊँगा जल्दी जल्दी से, थोड़ा स्पीड खींचता हुआ। दोस्तों उसी ब्रिज पे वॉइस पहुँच गए हैं। नीचे देखने वाले जरा ध्यान से देखें, जय बोले। बस बोले, बस निकलने वाली है। बोले लंगर लगा हुआ है, पूरियां बन रही हैं और लेट हो रहे हैं, तो अभी खा नहीं सकते, नहीं तो लंगर खा के जरूर चलते। और यहाँ माँ पार्वती और गणपति महाराज के दर्शन फिर से करते हैं एक बार, कार्तिक महाराज के, और फिर आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। कार्तिक महाराज जी मूर्ति में स्थापित की गई है, गणपति महाराज, माँ पार्वती, कार्तिक महाराज, महाभारत। जय बोले। और दोस्तों यात्रा कंप्लीट करके वापस नीचे पहुंच चुके हैं, अब फ्रेश होना है। फ्रेश नहीं हो पाया हूँ यार, अभी तक लगता है फ्रेश हो भी नहीं पाऊँगा। मिलते हैं जल्दी ही, मिलते हैं बोले।